नमस्कार पूनम की प्यारी दुनिया में, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। जी हाँ दोस्तों, गाजर का हलवा हम खाते हैं कि विटामिन ए बहुत सारा ले रहे हैं सर्दियों में, यही सोच के खाते हैं, बट उसको इतना भूनते हैं कि उसके विटामिन जो है खत्म ही हो जाती है, बस स्वाद लेते हैं। तो आज ऐसी रेसिपी ट्राई करेंगे कि उसकी गुडनेस जो है बरकरार रहे और हम उसका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाए। इसके लिए देख रहे हैं ये गाजर है, तो इसकी जो थोड़ी बहुत रूट रहती है और इसमें डस्ट रहता है, तो उसको उसके लिए हमने इसको छील लिया है। और यहाँ पे एक कुकर लिया है और ये 1 किलो गाजर है, तो यहाँ पे इस तरह से कट करके हमने डाल दिया है। फ्लेम को रखेंगे स्लो और ये देख रहे हैं 1 टेबलस्पून बस जस्ट वाटर ऐड करेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। जैसे उसमें प्रेशर बनेगा फुल फ्लेम पे, जैसे आलू वगैरह उबालते हैं 2-3 सीटी उसको दिला देंगे। ये देखिए इसमें प्रेशर बनने लगा है, क्योंकि गाजर जो है खुद का अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए फुल फ्लेम पे 2-3 सीटी मराएंगे कि जितना सा अधिक से अधिक हो सके पानी उड़ जाए। और मैंने सुबह से प्लान किया था तो ये 1.5 लीटर दूध है और मैंने इसको सुबह से ही जब भी काम करते करते एक साइड रख दिया है, तो ये आराम से औटाते औटाते हमारा दूध जो काफी गाढ़ा हो गया और इसके बनने तक और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस दूध और गाजर से मिलकर ही हम हलवा बनाएंगे। लगभग 5-6 विसिल्स कुकर में लगा है और ये देख रहे हैं कि कितना सारा नीचे में पानी छोड़ दिया है। तो अब इसको फुल फ्लेम पे खुले में ही ऐसे क्रश करते हुए पूरा पानी सूखने तक चला लेते हैं, पका लेते हैं। 3-4 मिनट ही हो गया, काफी पानी सूख गया और देख रहे हैं क्रश भी हो गया है। यहाँ पे हमारा दूध भी बहुत गाढ़ा हो गया है, तो अब दोनों को मिला के एक साथ पकाएंगे। दूध को गाढ़ा करना छोड़ दें तो अभी तक हमको 10 मिनट लगा हुआ प्रिपरेशन से लेकर और इसको कुकिंग करते हुए, और 7-8 मिनट लगेगा। लगातार फुल फ्लेम पे चलाएंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा। रेड कलर का था अभी दूध के कारण ही ऐसा दिखने लगा है, बट इसका न्यूट्रिशन जो है बरकरार है, क्योंकि हम इसको ओवर कुकिंग नहीं करेंगे। वैसे तो ये गाजर और दूध के कारण काफी मीठा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ, आप देख लेंगे। वैसे कोशिश करें कि कम से कम शुगर डालें और गाजर का स्वीटनेस लें। 10 मिनट हो गया है और देख रहे हैं काफ़ी हद तक सूख गया है और ये अपने कलर में भी आने लगा है। इसमें हमने ज़्यादा शुगर नहीं डाला, कोई घी नहीं डाला, फिर भी आप इसका कलर देख रहे हैं। थोड़ा सा इलायची डाल के मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हलवा जो है थोड़ा सा फीका कलर दिख रहा है और आपको टेस्ट को ऐसा आपके खाने के लिए परफेक्ट है, तो इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के और भून लें। ऊपर से थोड़े से नट्स डाल दिया हमने। देखो तो देखा आपने कि कितना इजी है हेल्दी वाला हलवा बनाना। जी भर के खाइए, खूब सारा विटामिन ए लीजिए और रोज रोज बनाइए, बिल्कुल 20 मिनट में ये रेडी हो जाता है।